साथियों, जैसे कि आपको पता है कि कल एक इंसिडेंट हुआ था हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को, नागपुर के फारिस कादरी नामक व्यक्ति ने फ़ोन करके उनके साथ में अभद्र भाषा का उपयोग किया था, जिसको लेकर नागपुर के अंदर में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में कार्यकर्ताओं के अंदर में एक रोष था। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने उसके घर के ऊपर में जाकर हंगामा भी किया था। उसकी ये लेते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नागपुर की टीम ने नागपुर के तहसील थाना पुलिस स्टेशन के अंदर में उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी। उस कंप्लेंट को की जानकारी लेते हुए नागपुर तहसील पुलिस ने फारिस कादरी को जो है अरेस्ट किया हुआ है, और अभी इस वक्त वो नागपुर के तहसील थाना पुलिस स्टेशन के अंदर में है। और हम लोगों को भी यहाँ बुलाया गया था, हमारी हुई पूरी टीम, निसार सिद्दीकी साहब, शहर अध्यक्ष जावेद अख्तर, मेरे साथ वकारुद्दीन अंसारी और पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर जो है, जफर सोलंकी साहब वेस्ट के प्रेसिडेंट, ये पूरी टीम नागपुर तहसील थाना पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने मुझे यानी शाहिद रंगून वाला को और जावेद अख्तर को 149 का नोटिस भी दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है वो अपना काम कर रहा है, फारिस कादरी के ऊपर में कार्रवाई चल रही है, सभी कार्यकर्ता जो है शांति बनाए रखे, पुलिस और कानून के हिसाब से उसे जो भी सज़ा मिलनी है वो कानून के हिसाब से मिलेंगी। मैं सिर्फ अभी इस वीडियो के माध्यम से हमारे पूरे महाराष्ट्र के और नागपुर के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ शांति बनाए रखे और प्रशासन का साथ दे। और जो हमारे तहसील थाने के जो पीआई साहब है भंडारकर साहब, इन्होंने खुद अभी फ़ोन पर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से बात किया है और जो भी हर संभव उसके अंदर में उस कार्रवाई करने का उन्हें आश्वासन दिया है। तो मैं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि वो शांति बनाए रखे और किसी भी तरह का गैर कानूनी काम और कानून को हाथ में लेने का काम ना करें, क्योंकि इस वक्त कोरोना का काल चल रहा है, एकेडमिक एक्ट लगा हुआ है और हमारी अभी सबसे पहले जो है कोरोना से हमें लड़ाई लड़ना है। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखें, प्रशासन अपना काम कर रहा है और उसके ऊपर में उचित कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।